गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्विक हील का जो टोटल सिक्योरिटी है उस एंटीवायरस से अपने मोबाइल को कैसे स्कैन करना है, और उसमें जो एरर आता है उस एरर को भी सॉल्यूशन करूंगा। तो ये देखिए, मेरे सामने मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन है। तो अभी मैं इस कंप्यूटर में अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ, तो मैं साथ ही साथ जो मैंने मोबाइल कनेक्ट किया है तो उसमें आपने कौन सा ऑप्शन दबाना है मोबाइल की स्क्रीन भी दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ये अपना USB केबल से अपना मोबाइल कनेक्ट कर दिया। मोबाइल कनेक्ट करते ही इसमें ऑप्शन आ गया USB चार्जिंग द डिवाइस। तो मैंने यहाँ पर नीचे सेकेंड नंबर का ऑप्शन ट्रांसफर फाइल दबा दिया। ओके, अब मैं देखिए कंप्यूटर में स्कैन करता हूँ। तो देखिए, स्कैन में क्लिक करते ही जो नीचे स्कैन बटन आ रहा है क्विक हील टोटल सिक्योरिटी में, उसमें मोबाइल स्कैन को क्लिक करता हूँ। देखिए, मोबाइल स्कैन है तो फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा Redmi Note 5 Pro कनेक्टेड है। जैसे ही क्विक हील टोटल सिक्योरिटी का मैं पेज खोलता हूँ, इसमें राइट हैंड में देखिए स्कैन ऑप्शन आता है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ माई कंप्यूटर में जाके। देखिए, मेरा Redmi Note 5 Pro कनेक्ट है, जो कि मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये दिखा रहा है, इसको एसेस कर रहा है। बट क्विक हील में जाता हूँ। देखिए, अभी मैं कहाँ से क्विक हील खोलना है, आपने पहले तो आप यहाँ जाके टास्क बार में जाके भी क्विक हील खोल सकते हैं। तो देखिए, मैंने टास्क बार में जाके क्विक हील खोल दिया और मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। देखिए, अभी ये मेरा मोबाइल सर्च कर रहा है, बट इसमें एरर आ रहा है, ये मेरे मोबाइल को डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो चलिए, मैं दोबारा स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये स्कैन हो रहा है मेरा मोबाइल, अभी फिर से यही प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि और यूजर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आती हो, तो मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन करने का आपको मैं तरीका बताऊंगा। तो देखिए, आपने देखिए इसमें स्कैन नहीं हो रहा, लेकिन माई कंप्यूटर में मेरी चीज़ें शो हो रही है। इट मीन्स ये जो क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है मेरे मोबाइल को रीड नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपने अपने मोबाइल के डिवाइस मैनेजर में जाना है। तो देखिए, डिवाइस मैनेजर में आप नीचे जब टाइप करेंगे विंडो 10 में, तो डायरेक्टली वहां जा सकते हैं आप। तो कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं आप। कंट्रोल पैनल में जब आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, तो उसके नीचे ही डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है। देखिए, डिवाइस मैनेजर का दिखा दिया मैंने आपको ऑप्शन, आपको डिवाइस एंड प्रिंटिंग में। तो देख लीजिए, इतने सारे कुछ कंट्रोल पैनल्स में दिखते हैं। तो मेनली जो मैं आपको ये मेन दिखाने का मेरा रीज़न है कि आप डिवाइस मैनेजर में कैसे जा सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेनू खुलते हैं, यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर में जाके, आपको मैं ऑप्शन बताऊंगा, उस ऑप्शन में जाना है आपने। और उन ऑप्शन में जाके जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, वो प्रोसेस करने के बाद आपका मोबाइल जो है स्कैन होने लगेगा। देखिए, डिवाइस एंड प्रिंटर्स में ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो सबसे बेसिक सा तरीका बताऊंगा, आपने डिवाइस मैनेजर टाइप करना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है। तो डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद देखिए, आपको पोर्टेबल डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा। देखिए, पोर्टेबल डिवाइस का ऑप्शन आएगा, तो इसमें तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं। एक तो मेरा Redmi Note 5 Pro जो मैंने कनेक्ट किया है वो दिखा रहा है, ऊपर J दिखा रहा है, और मेरी पेन ड्राइव दिखा रही है। तो आपने ये Redmi Note 5 Pro को छोड़ के दोनों ही डिवाइस को आपने डिसेबल कर देना है। तो देखिए, फिलहाल मैंने यहाँ पर डिसेबल कर दिया। तो डिसेबल करते ही इनके आगे जो फ्रंट में है जो फोल्डर बना हुआ है, प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए, अभी मैं दोबारा इसको सर्च करता हूँ। देखिए, दोबारा सर्च कर रहा हूँ, बाकी के दो डिवाइस को मैंने डिसेबल किया। तो देखिए, यहाँ पर इसने मेरा रीड कर लिया है। तो देखिए, अभी मैंने स्कैन करना शुरू कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से मोबाइल आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।